हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 पर हैं। मेरा नाम अमित शुक्ला है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 से, मैं उनको एडवाइस करता हूँ लेक्चर नंबर 1 से उसे देखें। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, कभी भी आप पूछ सकते हैं। ये मेरा ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा आपको। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको कनेक्ट होना चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। तो हमने यहाँ 12th क्लास के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स की सीरीज क्यों स्टार्ट करी? सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्यों नहीं करी। भाई, रे ऑप्टिक्स की इसलिए करी, पहला रीजन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, 14 मार्क्स, 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स रे ऑप्टिक्स से आते हैं। दूसरा, मेरा 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है, बच्चे बोलते हैं सर ये टफ है, तो टफ चीज़ों को पहले कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। आज हम रे ऑप्टिक्स का हमारा टॉपिक 1 रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जनरल जो आइडिया दिया था वो खत्म हो चुका है। टॉपिक 2 पर रहे हम। टॉपिक 2 का नाम है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और ये लेक्चर नंबर 7 है रे ऑप्टिक्स का। आज हम ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे और 2020 में बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लॉन्ग आंसर, इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब देखिए, आपको फिगर में एक प्रिज्म दिख रहा है, यू आर एबल टू सी द प्रिज्म। तो यहाँ पे प्रिज्म के हमने 2 रिफ्रेक्टिंग सर्फेस बताए, ये फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सर्फेस है और ये सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सर्फेस है, और ये प्रिज्म का क्या है, बेस है। और यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देने की कोशिश करी, रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। What is refracting angle of prism? Angle between refracting surfaces. ये जो 2 refracting surface आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में बनने वाला angle ही क्या होगा? Refracting angle of prism. तो हमें याद रखिए, short में कई बार इसे बोला जाता है angle of prism, लेकिन हम इसे कह सकते हैं refracting angle of prism. It is the angle between 2 refracting surfaces of prism. ये triangular prism आपको diagram में दिखाया गया है, देख लीजिए। पहले भी आपने lab में इसे देखा होगा और इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी करे होंगे ड्राइंग बोर्ड पर। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म। तो हमारे चैप्टर का टाइटल है ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म? इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंगल्स। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपने डायग्राम बना लीजिए कॉपी पेन लेके, ये दिख रहा है आपको एंगल आई। I is the angle of incidence, okay? E is the angle of emergence, R1 angle of refraction, R2 angle of refraction, delta is called angle of deviation. Angle of deviation. तो देखिए, हमने स्टार्ट किया है, लेट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे PQ. PQ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है, इज इंसिडेंट ऑन रिफ्रेक्टिंग सर्फेस AB. तो देखिए, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है, ये फेस AB पर इंसिडेंट होती है। ऑफ द प्रिज्म एट व्हाट पॉइंट इट इंसिडेंट? इट इंसिडेंट एट पॉइंट Q. दिस रे बेंड्स टुवर्ड्स, बिकॉज़ लाइट रे इज, यू नो दैट लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। दिस इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर, एंड जनरली द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक प्रिज्म भी होते हैं। सो लाइट रे इज सफरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो डेफिनेटली इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का हमने क्या नाम दिया, NQE, एंड ट्रेवल इन द प्रिज्म। इतना लिखना जरूरी है, जब डेरिवेशन करते हैं तो पूरा लिखना जरूरी होता है। इट ट्रेवल्स इन द प्रिज्म अलॉन्ग QR. ये देखिए, PQ इज द इंसिडेंट लाइट रे थी, नाउ इट एंटर्स द प्रिज्म, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट ट्रेवल्स अलॉन्ग QR. यही हमने लिखा है, द लाइट रे QR. अब देखिए, यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हुआ, आर पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है। हियर लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, इसीलिए हमने लिखा है द लाइट रे QR अगेन। ठीक है, द लाइट रे QR अगेन विल एंटर इन टू द एयर, एंड इट इज, सिंस इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, आई वॉन्ट टू से दैट ग्लास टू एयर, सो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल अलॉन्ग द पाथ RS. तो वही हमने लिखा, इट सफर्स द रिफ्रेक्शन एट द पॉइंट R. इट सफर्स द रिफ्रेक्शन एट द पॉइंट R ऑन द रिफ्रेक्टिंग सरफेस AC.
ये एसी क्या है? प्रिज्म का सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सफर्स द रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट आर ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी एंड इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म एंड इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म और प्रिज्म से बाहर चली जाएगी। अलोंग विच पाथ? जस्ट सी द पाथ। अलोंग विच पाथ? अलोंग विच पाथ इट विल मूव? इट विल मूव अलोंग आर एस। वही हमने लिखा है, इट विल मूव अलोंग आर एस। इट विल मूव अलोंग आर एस देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल एम आर ई। इस नॉर्मल को हमने नाम दिया एम आर ई, दैट इज सेकेंड नॉर्मल। सो आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल, नॉर्मल नंबर वन, एंड दिस इज योर सेकेंड नॉर्मल, नॉर्मल नंबर टू। फर्स्ट नॉर्मल हैज बीन नेम्ड एज एन क्यू ई, सेकेंड नॉर्मल हैज बीन नेम्ड एज ई आर एम। ओके, तो ये डायग्राम बार बार आएगा, इसको बनाते रहिए। अब देखिए, लेट अस डिफाइन द एंगल। अगर हमें प्रिज्म की ज्योमेट्री समझनी है, वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म, देन वी मस्ट डिफाइन द एंगल। वी स्टार्ट विद आई। व्हाट इज आई? एंगल, जस्ट सी दिस एंगल पी क्यू एन। इट इज द एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन। सो वही हमने लिखा, एंगल पी क्यू एन इक्वल टू आई। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सेकेंड एंगल आर वन। आर वन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आर क्यू, जस्ट सी द फिगर आर क्यू ई, दैट इज नोन एज आर वन, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एट विच फेस? ए बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंगल आर टू। आर टू को आप डिफाइन करेंगे एंगल क्यू आर, जस्ट सी दिस एंगल क्यू आर ई, दैट इज आर टू, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एट सेकेंड फेज, एंड सेकेंड फेज इज नेम्ड एज ए सी। अब ई को डिफाइन करना है, ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, तो दैट इज एंगल एम एम आर एम आर एस, दैट इज ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड द डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन यू अंडरस्टैंड, बाय वॉट एंगल द लाइट रे टर्न्स थ्रू इट्स ओरिजिनल पाथ। द एंगल ऑफ डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंट, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करती? पी क्यू डी पर ट्रेवल करती, पर प्रिज्म के कारण इट सफर्स टू रिफ्रैक्शन, तो इमरजेंट रे इज अलोंग विच पाथ? डी आर एस। सो इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। सो हियर आई हैव रिटन डेल्टा इज द एंगल एंगल बिटवीन पी क्यू डी एंड डी आर एस। So, angle between incident ray and emergent ray, that is called angle of deviation. यहाँ light ray का deviation, deviation का मतलब होता है turning through its original path. पहला deviation किस point पर हुआ? Q पर। Second deviation किस point पर हुआ? R पे। A is the refracting angle of prism. अब हमने सारे angle अब तक define कर लिए हैं। चलिए आपसे एक बार फिर request करते हैं, share करिए, subscribe करिए और ज़्यादा से ज़्यादा students को lecture पहुंचाइए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस। अब देखिए, अब हम प्रिज्म की ज्योमेट्री को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल क्यू आर ई में देखिए, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल क्यू आर ई दिख रहा है आपको, क्यू आर ई। इसमें दो एंगल्स तो आपको मालूम है, एक आर वन है और सेकेंड एंगल इज आर टू, तो तीसरा एंगल क्या होगा? एंगल क्यू ई, एंगल क्यू ई, इट शुड बी एक्चुअली एंगल क्यू ई आर, एंगल क्यू ई आर, इसको सुधार लीजिए, एंगल क्यू ई आर, दैट इज नथिंग बट 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। भाई दोनों एंगल्स को एडिशन को 180 से माइनस कर दिया तो हमें थर्ड एंगल मिल जाएगा। अब देखिए, एक हम क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, ये देखिए आप ए क्यू आर, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है और आप जानते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो पहला एंगल हमने लिया क्वाड्रिलेटरल का ए क्यू ई आर, एक क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट एंगल हमने लिया एंगल ए क्यू ई, सेकेंड एंगल एंगल क्यू ई आर, आप खुद भी कर सकते हैं, थर्ड एंगल एंगल ई आर ए, फोर्थ एंगल
एंगल आर ए क्यू, फोर्थ एंगल इज आर ए क्यू, यही मैंने लिखा है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। पर ये नॉर्मल का एंगल है और नॉर्मल हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 90 डिग्री। और ये एंगल अभी हम निकाल चुके हैं 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। अब ये नॉर्मल का एंगल कितना होगा, देखिए ध्यान से, जस्ट सी दिस एंगल 90, सो आई हैव रिटन 90। और ये होगा प्रिज्म का एंगल, दैट इज एंगल ए, रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज एंगल आर ए क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब थोड़ा ओरल कैलकुलेशन भी करिए, 90 प्लस 180 कितना होगा, 90 प्लस 180 कितना होगा, 270, 270 प्लस 90 कितना होगा, 360, तो 360 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, व्हाट इज लेफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट आर वन प्लस आर टू प्लस ए इक्वल टू जीरो, सो ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो देखिए प्रिज्म की ज्योमेट्री का पहला फैक्ट हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये हम सीख चुके हैं। नाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, अब हमें डेल्टा निकालना है। तो लाइट रे सफर्स टू डिविएशन, डिविएशन मीन्स टर्निंग थ्रू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो पहला डिविएशन लाइट रे का किस पॉइंट पर हुआ था, क्यू पर हुआ था, और सेकंड डिविएशन किस पॉइंट पर हुआ था, आर पे हुआ था। तो हमने सपोज कर लिया डेल्टा वन इज द डिविएशन, डेल्टा वन इज द डिविएशन एट फेस ए बी, एंड डेल्टा टू इज द डिविएशन, डिविएशन एट फेस ए सी। सो यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब देखिए तो डेल्टा वन को हमने लिखा आई माइनस आर वन। जब भी लाइट रे का रिफ्रेक्शन होता है, ये मैं पिछली क्लासेस में क्लियर कर चुका हूँ, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये लाइट रे आ रही है, ये इसका डिविएशन हुआ, ये आर हुआ, ये हुआ आई, और अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी जाती, तो दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा। तो देखिए आर प्लस डेल्टा क्या होगा, आई, तो डेल्टा को आप क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आर, इसलिए मैंने डेल्टा वन को लिखा है आई माइनस आर वन। और डेल्टा टू को मैंने लिखा ई माइनस आर टू, बिकॉज ई इज लार्जर एंगल देन आर टू, तो दो डिविएशन हो गए। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, अब हमने आई और ई का पेयर बना लिया यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। सो वी कैन राइट दिस आई प्लस ई, ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू, और आप अच्छे जानते हैं कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है, ए। सो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, अब ए को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। देखिए ज्योमेट्री प्रिज्म में आपकी आ गई, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। और देखिए यहाँ मैंने लाइट रे के दो पाथ बताए, एक डायरेक्ट पाथ है और एक रिवर्स पाथ है। तो डायरेक्ट पाथ के लिए म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर वन, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू, दिस इज एयर, एयर टू ग्लास, एंड फॉर रिवर्स पाथ, फॉर रिवर्स पाथ अगेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म कितना सिंपल है। तो अब हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म आ गई है, हम ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म में जानते हैं कि ए इक्वल टू कितना होता है आर वन प्लस आर टू, हमेशा याद रखिए ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, एंड म्यू कैन बी रिटन एज साइन आई बाय साइन आर वन, और यू मे राइट म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन ऑफ आर टू। आई अगेन टेलिंग यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वन कॉमा आर टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन
अगेन आई एम रिपीटिंग इट, एंगल ऑफ डिविएशन ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म एंड फाइनली इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये क्लियर हो गया आपको, दैट इज द सिंपल रिजल्ट्स ऑफ ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म। अब देखिए ये लाइट रे पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और कोई सा भी बोर्ड और न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, देखिए लाइट रे पी क्यू ऑन द फेस ए बी ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो ए इज गिवन हाउ मच, 30 डिग्री। आई इज गिवन हाउ मच, 60 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री, एंड दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन। शो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस बी सी थ्रू विच इट इमर्जेस। ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ए प्लस डेल्टा क्या होगा, आई प्लस ई, ए इज 30 डिग्री, ओके डेल्टा इज 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ई कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब इमरजेंट रे ये नॉर्मल हो गया, ये देखिए नॉर्मल आपको दिख रहा है, रेड से ड्रॉ किया है। तो जब लाइट रे नॉर्मल पे ही आएगी तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। देखिए ई क्या होता है, इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है, पर बट इफ इमरजेंट रे मूव्स अलोंग द नॉर्मल, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल, डेफिनेटली 0 डिग्री। तो यहां पर आप कह सकते हैं हिंस लाइट रे की जगह हमें कहना चाहिए इमरजेंट रे, ओके हिंस इमरजेंट रे, बेटर वी शुड से लाइक दिस, हिंस इमरजेंट रे। आराम से करिए, इज परपेंडिकुलर टू फेस एसी, परपेंडिकुलर टू फेस एसी। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही कुछ अलग है। अब देखिए, अब ये एंगल आपका कितना है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है नॉर्मल से, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसको थोड़ा यहाँ बनाना चाहते हैं, डायग्राम को प्लॉट करना चाहते हैं। ये देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री, 30 और 90 को ऐड करिए 120। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 30 प्लस 90, 120। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल बी क्यू आर, ट्रायंगल बी क्यू आर। ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल हो गया 30 डिग्री, ये क्योंकि लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। 30 और 90 को ऐड करिए 120, तो ये तीसरा एंगल ट्रायंगल का कितना होगा, 60 डिग्री। बिकॉज वी नो इट वेरी वेल, बाय एडिंग ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल व्हाट वैल्यू वी गेट 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे जोरदार बात, ये 60 डिग्री हो गया, ये आप जानते हैं कि जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का एंगल है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल 90 है, ये देखिए ये 90 हो गया, 90 में से 60 चला गया, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। फिर से 30 प्लस 90, 120, 120 और 120 प्लस, देखिए अब मैं आपको इसको करके बता देता हूँ, देखिए आई विल ड्रॉ इट तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये देखिए लाइट रे मूव्स अलोंग द नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है यहाँ पर, और ये हमारी इंसिडेंट रे, दैट इज आवर इंसिडेंट रे। तो इसको ध्यान से समझिएगा आप, दैट इज आवर इंसिडेंट रे। और आपको गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 60 डिग्री। ये प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है 30, ये कितना हो गया 90, ये बी क्यू आर, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के, ट्रायंगल बी क्यू आर के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप देखिए ये एंगल किसका है, नॉर्मल का, ठीक है, ये एंगल किसका है, नॉर्मल का। नॉर्मल हमेशा सरफेस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये अगर आर है तो हम कह सकते हैं आर प्लस 60 को ऐड करने पे कितना मिलता है 90, तो आर कितना होना चाहिए 90 माइनस 60, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ आर एज 30 डिग्री। न्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, अप्लाई करिए साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2, सो व्हाट वी गेट, न्यू इक्वल टू √3। तो बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से बता दें, ये आर है तो आर और 60 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, नॉर्मल का एंगल दैट इज 90 डिग्री। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू, दिस एंगल इज आर एंड दिस इज 60, ऑन एडिंग आर एंड 60 वी गेट द एंगल ऑफ नॉर्मल। इस तरह से हमने म्यू निकाल लिया। आई एम होपफुल, हमेशा इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए, या आप इसे लाइक करेंगे, धन्यवाद, शेयर करेंगे, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं मुझसे डाउट पूछना तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 7 था, कमेंट करिए, मुझे बताइए लेक्चर क्या था उसमें और क्या प्रॉब्लम्स थी और हम इसको और कैसे सुधार सकते हैं। फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।